ये है क्रम्पटन का सेलेरियम इंस्टेंट गीजर। पिछले 6 साल से हमारे घर की किचन में लगा हुआ है। जैसे ही बटन ऑन करते हैं तुरंत गर्म पानी दे देता है। लेडीज को बहुत फायदा होता है इससे। गर्म पानी से उनको बर्तन वगैरह साफ करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है और तुरंत गर्म पानी मिल जाता है। 6 साल पहले खरीदा था, 1 पैसे की दिक्कत हमें इस गीजर के साथ नहीं आई आज तक। और इसकी कीमत जो अभी भी मार्केट में चल रही है 3,000 रुपए है, लेकिन आज चल रहा है 2023 में हमारे पास बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, इससे भी ऊपर के ऑप्शन है जो कि 3,000 में देखने को मिल जाते हैं। So, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 2023 के टॉप 5 इंस्टेंट गीजर्स इन इंडिया। सारे के सारे बेस्ट सेलिंग गीजर्स होने वाले हैं फिलहाल इंडिया में, और साथ के साथ सभी के सभी गीजर आपको 3 लीटर कैपेसिटी में देखने को मिल जाएंगे और 3,000 के प्राइस ब्रैकेट के बीच में ही देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के वह शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आप देख रहे हैं टेक्निकल सेल्समैन, बोलिएगा नहीं। तो शुरू करते हैं नंबर 5 इंस्टेंट गीजर से। ये आता है क्रम्पटन का इंस्टा ब्लिस, और फिलहाल इसकी ऑनलाइन कीमत देखने को मिल रही है 2,598 रुपीज की। ये आपको बेहतरीन व्हाइट कलर में देखने को मिल जाता है और आइवरी कलर में देखने को मिल जाएगा। बहुत खूबसूरत दिखता है, रस्ट फ्री पीपी बॉडी देखने को मिलती है, वेलनेस टैंक डिजाइन है, रेजिस्टेंट टू करोजन है, करोजन इस पे नहीं आने वाला। साथ में कैपिलरी थर्मोस्टैट देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक ऑफ आता है, मल्टीफंक्शनल वॉल्व इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, 3 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है और 6.5 बार का प्रेशर देखने को मिल जाएगा, 3,000 वॉटेज का ये इंस्टेंट गीजर है। ये तो सारे हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट, पर नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है, बहुत ढूंढने और खंगालने के बाद ये नेगेटिव पॉइंट मिला, अदरवाइज दिस इज अ गुड इंस्टेंट गीजर। नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके अंदर 3-पिन शू प्लग नहीं मिलता, कंपनी से आपको एडिशनल खरीदना पड़ेगा, गीजर के साथ लगा के फिर अटैच कर सकते हो, पर ये इसकी एक प्रॉब्लम है, इसके ऊपर आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा, कुछ ज्यादा नहीं, 200-300-250 इसके बीच के अंदर आ जाएगा वो शू प्लग, इवन सस्ते भी आ जाते हैं, पर अच्छी क्वालिटी का ले लीजिएगा। तो ये इसकी नेगेटिव पॉइंट था, अदरवाइज गीजर एक दमदार गीजर है। अब बढ़ते हैं अपने 4th नंबर के इंस्टेंट गीजर की तरफ, वी गार्ड की तरफ से आने वाला वी गार्ड जियो। फिलहाल इसकी ऑनलाइन कीमत देखने को मिल रही है 2,749 रुपीज की। पावरफुल इंस्टेंट हीटिंग देखने को मिल जाती है इसके अंदर, 3 किलोवाट की हैवी एलिमेंट लगा हुआ है, मैक्सिमम हीट रिटेंशन करता है, इकोफ्रेंडली इंसुलेशन देखने को मिलेगी आपको इसके अंदर, और मात्र 2.3 केजी का इसका वेट है। सेफ टेम्परेचर रेगुलेशन देखने को मिलती है, ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन के साथ आता है, सेफ्टी ऑपरेशंस एट हायर प्रेशर आपको मिल जाएंगे, और प्रिवेंट करता है रिवर्स वाटर फ्लो को। साथ में इसके अंदर ड्यूल नियॉन इंडिकेशन देखने को मिल जाती है, आपका पावर ऑन ऑफ का इंडिकेशन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, रिवर्स्ड इनर टैंक देखने को मिलता है, रस्ट प्रूफ आउटर बॉडी के साथ आता है, और सूटेबल है हाई रेस बिल्डिंग के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको 6.5 बार यानी कि 6.5 बार का प्रेशर देखने को मिल जाता है। कंपनी इसके ऊपर देती है आपको 2 साल की वारंटी प्रोडक्ट पे, 5 इयर्स की वारंटी इनर टैंक पे, और 2 साल की हीटिंग एलिमेंट पे इसके ऊपर वारंटी देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इसकी नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव तो सारे आपको मैंने बता दिए, नेगेटिव पॉइंट ये है जो इसका इंस्टॉलेशन वाला पर्सन आता है आपके घर आके इंस्टॉल करके जाएगा, वो लंबे टाइम बाद आता है, मतलब वक्त लगा देता है यार, आप ऑनलाइन परचेस करेंगे 2-3 दिन बाद आ रहा है, डिलेड आता है, तो एक वो लगता है यार वो आएगा कि नहीं आएगा, एक सरदर्द सा थोड़ा सा फील होता है, ये एक वाकई में जेन्युइन नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। अदरवाइज गीजर बहुत अच्छा है, क्वालिटी प्रोडक्ट हर चीज बहुत ही बेहतरीन है। अब बढ़ते हैं अपने 3rd नंबर के इंस्टेंट गीजर की तरफ, बजाज का स्प्लेंडेरो, और फिलहाल इसकी ऑनलाइन कीमत देखने को मिलती है 2,999 रुपीज ओनली। इसके अंदर आपको शॉक रेजिस्टेंट ABS आउटर बॉडी देखने को मिल जाती है, मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छा है, फायर रिटार्डेंट केबल इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है, साथ में 6.5 बार का प्रेशर ये अटेन करके देने वाला है, कॉपर एलिमेंट देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, लंबी लाइफ के लिए आपके गीजर की काफी लंबी लाइफ कर देगा, स्केलिंग वगैरह नहीं होगी उसके अंदर बहुत जल्द, ISI अप्रूव्ड है ये, साथ में 3 लीटर की कैपेसिटी के साथ देखने को मिलता है। ISI अप्रूव्ड होना किसी भी गीजर के लिए एक बहुत ही थम्स अप वाला पॉइंट बन जाता है, इनलेट आउटलेट वॉल्व देखने को मिल जाता है, साथ में इसके आपके पावर ऑन एंड ऑफ के लिए भी आपको इसके ऊपर इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत सारे आपको गिना दिए, नेगेटिव पॉइंट इसका सबसे बड़ा ये है कि इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा है बाकी गीजर्स के मुकाबले, आपके एरिया के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपको कितनी पड़ेगी, पर इसकी इंस्टॉलेशन आपको महंगी पड़ने वाली है। अदरवाइज बजाज एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, जबरदस्त कंपनी है, आप इसके लिए जा सकते हैं आंख बंद करके भी। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे इंस्टेंट गीजर की तरफ जो कि 3 लीटर कैपेसिटी में आता है, और ये है कॉल्ड प्रोंटो प्रो, और फिलहाल इसकी ऑनलाइन कीमत देखने को मिल रही है 3,049 रुपए, यानी कि
3049 रुपीज। इसके अंदर आपको HRP टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से हाई राइज बिल्डिंग के लिए बहुत ही सस्टेनेबल हो जाता है। बैकफ्लो वाटर का नहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका हीटिंग एलिमेंट काफी लंबे समय तक सस्टेन कर पाता है, डैमेज नहीं होता ड्राई हीटिंग की वजह से, काफी जल्दी हीटिंग कर देता है, और कंसिस्टेंट वाटर का फ्लो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। सेफ्टी प्लस इसके अंदर देखने को मिलता है, इनहांस प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, 3 लेयर्स ऑफ सेफ्टी मिलती है थर्मोस्टेट की वजह से, कटआउट की वजह से और सेफ्टी वॉल की वजह से, और फायर रिटार्डेंट केबल इसके अंदर देखने को मिलती है। सेफ्टी के मामले में बहुत ही जबरदस्त इंस्टेंट गीजर है। बात कर लेते हैं इसकी नेगेटिव पॉइंट्स की, पॉजिटिव तो बहुत सारे गिना दिए, नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि इसके अंदर आपको पाइप्स और 3 पिन केबल प्लग वो नहीं देखने को मिलता, आपको एडिशनल खरीदना पड़ता है, ये कॉस्ट एक बर्डन बन जाता है ना अपने ऊपर भी, तो ये चीज हो जाती है। साथ में इसका सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये बन जाता है, कुछ लोगों को फेस हुआ है, कुछ को नहीं हुआ, हो सकता है उनके प्रोडक्ट के साथ कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, अदरवाइज थोड़ा सा इशू ये है इसके अंदर जो कि इग्नोर किया जा सकता है हीटर की सारी क्वालिटीज को देखते हुए भी। बट नेगेटिव पॉइंट ये बनता है, जो इसकी ऑन एंड ऑफ का इंडिकेटर लाइट्स है ना वो थोड़ी सी डिम है, आपको ना क्लियरली पता नहीं लगता कि ऑन है कि ऑफ है, ये एक इशू है। अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड इंस्टेंट गीजर, इसके लिए आप आंख बंद करके भी जा सकते हैं। बट 2 पॉइंट्स जो इसके नेगेटिव थे मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। अब बढ़ते अपने नंबर 1 इंस्टेंट गीजर की तरफ, AO Smith का EWS इंस्टेंट गीजर 3 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है, और फिलहाल इसकी ऑनलाइन कीमत देखने को मिल रही है 3199 रुपीज की, एंड कार्ड ऑफर इसके ऊपर अवेलेबल है, 3000 के अंदर आप इसे ग्रैब अपने लिए कर सकते हैं। जबरदस्त इंस्टेंट गीजर है, क्वालिटीज जान लीजिए इसकी। ब्लू डायमंड ग्लास लाइनिंग देखने को मिलती है इसके अंदर, ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट देखने को मिलता है, 8 बार का हाई रेटेड प्रेशर देखने को मिलता है, लॉन्ग लास्टिंग एनोड रॉड के साथ आता है, थर्मल कट आउट के साथ आता है, और सेफ्टी वॉल्व इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, रस्ट प्रूफ आउटर बॉडी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में हाई राइज बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर आपको 8 बार तक का प्रेशर देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा प्रेशर ये जनरेट कर देगा अप टू 35 फ्लोर्स, बहुत अच्छा वर्क करता है, 5 साल की वारंटी प्रोडक्ट पे आपको देख रही है कंपनी। साथ ही साथ ब्लू डायमंड ग्लास लाइनिंग देखने को मिलती है, और हीटिंग एलिमेंट भी ग्लास लाइनिंग वाला है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट की लाइफ है बहुत लंबी हो जाती है। स्केलिंग जैसी प्रॉब्लम, करोजन जैसी प्रॉब्लम, तमाम जितनी भी दिक्कतें आती है ना, इवन हार्ड वाटर की वजह से भी इशू आते हैं, वो इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। एक जबरदस्त इंस्टेंट गीजर है, वन मस्ट गो फॉर दिस, किसी भी हालत में आप इसे खरीदेंगे संतुष्ट रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के, इतने सारे पॉजिटिव तो मैंने गिना दिए, कुछ नेगेटिव तो बताना पड़ेगा ना यार, अब बात आपसे मैंने वादा किया कि नेगेटिव तो निकाल के लाऊंगा। तो इसका नेगेटिव पॉइंट ये बनता है कि इसके अंदर आपको इंस्टॉलेशन पाइप्स नहीं मिलती साथ में, प्लस 3 पिन प्लग नहीं मिलता इसके साथ में, उसकी एडिशनल कॉस्ट आपके ऊपर आएगी, यही नेगेटिव है। अदरवाइज गीजर बहुत अच्छा है, गीजर में कमी ढूंढने निकले थे, कमी मिली ही नहीं, इतना अच्छा गीजर है। बट ये कॉस्ट एक बर्डन की तरह हो जाती है ना, एड ऑन जब कॉस्ट कोई भी होती है वो एक बर्डन फील होता है, यार कितना पैसा दूं, मैंने दिया ना ऑलरेडी गीजर का, तो ये वाला एक फीलिंग आती है। अदरवाइज गीजर फिनोमिनल है, उसके लिए आप आंख बंद करके जा सकते हैं, AO Smith का EWS 3 लीटर वाला इंस्टेंट गीजर 3199। आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक्स दिखाई देंगे, वहां जाके क्लिक करके इन गीजर्स को चेकआउट कर सकते हैं, सारे सारे Amazon के एफिलिएट लिंक्स है, साथ में इनको अपने परिवार जनों को दिखा सकते हैं कि ये गीजर हमने शॉर्टलिस्ट किया, स्पेशली अपनी मम्मीज को, अपनी वाइफ को, या फिर अपनी ग्रैंड मदर को, या फिर मदर इन लॉ को, किनके लिए भी आप ले रहे हैं उनको दिखा सकते हैं, उनकी रजामंदी के बाद इसे अपना बना सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लेडीज ने इसे यूज करना होता है, किचन के लिए परफेक्ट होते हैं ये। तो आज की वीडियो को रखते हैं बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। जय हिंद।